इन सबसे परे एक आत्मा की भी भूख है, और वो है आत्मा किसकी भूखी है? बोले मन सम्मान का भूखा होगा, शरीर भोजन, शरीर में भोजन की भूख होगी, बुद्धि में संसार को जानने की भूख होगी, पर आत्मा तो राम के प्रेम की भूखी है। आत्मा को केवल राम का प्रेम ही पोषित कर सकता है। आत्मा का भरण पोषण करना है तो राम प्रेम से ही पोषित होगी। तो ये विश्व भरण पोषण कर जोई, ये भरत जी विश्व का भरण पोषण करते हैं। कैसे? बोले राम प्रेम से हमारी आत्मा को जो भर दे उसी का नाम है भरत। जो राम के प्रेम से हमारे हृदय को भर दे उसी का नाम है भरत। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत। अगर भरत का जन्म न होता तो सीताराम जी का प्रेम परिपूर्ण नहीं हो सकता। भरत कौन है? सबसे पहले तो हम लोग नाम पर विचार करेंगे। भरत कौन है? देखिए, भरत, तो भरत किसे कहेंगे? बोले जो निरंतर भगवान में रत है उसी को भरत कहते हैं। हरनेस 24 घंटे जो भगवान में रत है उसी का नाम भरत है। 24 घंटे भगवान की लीला में, नाम रूप लीला और धाम में जो रत है उसी का नाम भरत है। जो 24 घंटे परमात्मा के ही चिंतन में आनंदित है, आह्लादित है। एक संत ने और बड़ा सुंदर भाव दिया है, भरत कौन है? कहते हैं जो भक्त में रत है उसी का नाम भरत है। भक्त में रत है, भगवान में रत तो है ही, पर भगवान के भक्त में जो रत है उसी का नाम भरत है। भगवान के सच्चे सेवकों में, सच्चे संतों में जो रत है उसी का नाम। अथवा तो जो भक्ति में रत है उसी का नाम भरत। भक्ति भज सेवायाम धातु है। भक्ति में रत है इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है भज सेवायाम, अर्थात जो 24 घंटे भगवान की सेवा में रत है उसी का नाम भरत।